छोटी सादड़ी। मंगलवार के मध्य प्रदेश मंदसौर के बरखेड़ा पंथ में रह रही जमाई नारायणी छोटी सादड़ी निवासी मिठू लाल पुत्र दलाल बावरे की मंदसौर जिला अस्पताल में मौत होने के बाद आक्रोशित परिजनों ने छोटी सादड़ी पुलिस थाने के सामने नीमच रोड पर मृतक का शव रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छोटी सादड़ी पुलिस मल्हारगढ़ पुलिस 17 अगस्त को मिठूलाल को बरखेड़ा पंथ घर से मारपीट करते हुए ले गई थी व थाने पर भी युवक के साथ मारपीट की गई। मल्हारगढ़ थाने पर तबियत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, बाद में मंदसौर रेफर कर दिया जहां मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप पुलिस की बेरहम पिटाई से ही मिठूलाल की मौत हुई है बल्कि मल्हारगढ़ टीआई का कहना है कि लूट के मामले में छोटी सादड़ी पुलिस उसे लेने आई थी। सड़क दुर्घटना में वो पहले से घायल था। छोटी सादड़ी पुलिस उसे मल्हारगढ़ लाने से पहले ही तबियत बिगड़ने पर मल्हारगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई जहां से उसे मंदसौर रेफर कर दिया। मंदसौर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके साथ मारपीट नहीं की, न ही उसकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बुधवार को सुबह शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और हंगामा खड़ा किया। उनकी मांग थी पुलिसकर्मी जो दोषी है उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए व परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मंदसौर शहर कोतवाली टीआई अमित सिंह कुशवाहा जब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे। सूचना पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल जोगचंद्र दोपहर 12:30 बजे मंदसौर जिला अस्पताल पहुंचे। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, शराब कांड में भी लोगों की मौत होने पर प्रशासन ने परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। थानाधिकारी मांगीलाल डांगी ने बताया मृतक के खिलाफ छोटी सादड़ी पुलिस थाने में लूट का एक प्रकरण दर्ज था। उसे पुलिस उसके घर से ले गई थी लेकिन उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। वो पहले से ही जख्मी था जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय ले गई जहां उसकी मृत्यु हो गई। यहां परिजनों और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर काफी देर तक प्रदर्शन किया।